प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, चीन के मुद्दे पर अडिग हैं पीएम मोदी, शी जिनपिंग से हाथ मिलाने पर आलोचना कर रहा था विपक्ष। अमित शाह का दंगाइयों को सबक सिखाने वाले बयान पर ओवैसी ने भाजपा पर कसा तंज, बोले 2002 में कौन सा सबक सिखाया था। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान गिरफ्तार, पुलिस को धमकाने और बदसलूकी का आरोप। मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर बोले एस जयशंकर, कहा 26/11 हमले की साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। लाइव टीवी पर संबित पात्रा और राघव चड्ढा के बीच तीखी बहस, बीजेपी प्रवक्ता ने आप नेता को कह दिया रावण। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की अपील, बोले महिलाओं के खिलाफ हिंसा को धार्मिक नजरिए से ना देखें। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत का बयान, बोले लोकतंत्र सही हाथों में नहीं। बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, ट्रांसजेंडर अब समान श्रेणी में सरकारी नौकरी के लिए कर पाएंगे आवेदन। बिहार के कुढ़नी उपचुनाव में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच से देंगे बीजेपी को चुनौती। सत्येंद्र जैन का अब जेलर सुपरिटेंडेंट के साथ वीडियो, बीजेपी ने जारी किया, कहा जेल मंत्री के दरबार में जेलर की हाजिरी। अमित शाह ने चुनावी रैली में किया गुजरात दंगों का जिक्र, बोले 2002 में इन्हें सबक सिखाया, अब यहां स्थायी शांति। मंगलुरु ब्लास्ट में मंजुनाथ मंदिर का था टारगेट, केंद्रीय मंत्री का दावा, आरोपी शारिक ने आईएसआईएस से ट्रेनिंग ली। समलैंगिक विवाह को मान्यता की मांग, गे कपल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। भाजपा का राहुल पर आरोप, यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, कांग्रेस बोली भाजपा की साजिश। बीएसएफ ने अमृतसर सेक्टर में गिराया ड्रोन, पंजाब बॉर्डर पर 3 बार घुसपैठ का प्रयास, थर्मल कैमरे से दिखे घुसपैठियों को भगाया। संबल में पैतृक गांव पहुंचा पूर्व मंत्री का पार्थिव शरीर, समर्थक कर रहे अंतिम दर्शन, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जताया दुख। वन विभाग का मेरठ में 3.5 घंटे चला ऑपरेशन, सांभर जाल लगाए घास डाली फिर भी नहीं फंसा। गोंडा में बनेंगे 18 डॉग शेल्टर, प्राइवेट संस्था चलाएगी, डॉग लवर्स बोले चाहे एक ही बनाए मगर इलाज वैक्सीनेशन सब सुविधाएं मिले। वाराणसी में गंगा में नाव पलटी, 34 दक्षिण भारतीय श्रद्धालु नौका से निकले थे, सभी का रेस्क्यू।
ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख, दमकल की एक दर्जन गाड़ियों ने पाया काबू। हापुड़ में लोहा पिघलाने की भट्टी में गिरकर मैनेजर की मौत, मृतक के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। डमरू शंख पर तमिल डेलीगेट्स का काशी में स्वागत, संगम में पहुंचे 216 लोग। इको गार्डन पहुंचे हजारों किसान, सरकार पर धोखा देने के आरोप लगाए, राजभवन मार्च का कर चुके ऐलान, राकेश टिकैत भी रहेंगे धरने में शामिल। झांसी में 6 साल की बच्ची का किडनैप, रिश्तेदार बनकर घर पहुंचा आरोपी, अपने साथ ले गया, 17 घंटे से कोई सुराग नहीं। जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने 15 सीएचओ को बांटे लैपटॉप, स्वास्थ्य कर्मी टेक्निकल सुविधाओं से होंगे लैस। गर्लफ्रेंड की हत्या कर खुद को मारी गोली, मेरठ में रोडवेज लिपिक की लव स्टोरी का देन। चूहे को नाले में डुबोकर मारने वाले को जेल, एसी कार में बरेली के आईवीआरआई पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया चूहे का शव। रायबरेली में विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी, युवक बोला साहब मेरे पास जो था सब दे दिया, ना विदेश जा पाया ना किसी लायक बचा, मुझे न्याय दो। कानपुर में रोनिल मर्डर केस में पुलिस का सिलेंडर, 5 आईपीएस अफसर मिलकर भी नहीं कर सके मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। बच्ची पर कार चढ़ाने वाले सिपाही पर कार्रवाई नहीं, दहेज में मिली कार के ट्रायल के समय 9 लोगों को रौंदा था, बच्ची समेत 2 की जान गई थी। कौशाम्बी में फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा टीबी अस्पताल, डीटीओ सहित 1.5 दर्जन स्टाफ है, 2169 मरीजों के लक्ष्य के बदले। संत कबीर नगर में दोस्त ने की थी युवक की हत्या, मामूली झगड़े के बाद चाकू से गला काटा, फिर पुआल से ढका, 3 दिन पहले मिला था शव। भाई की मौत से टूटे बहन के अरमान, सुल्तानपुर में सादगी के साथ होगी स्वाति की शादी, आश्रम में पूरी होगी विवाह की रस्में। नोएडा में विला का ताला तोड़कर 1 करोड़ की चोरी, घरवाले बोले 40 लाख की नकदी और 60 लाख की ज्वेलरी ले गए चोर। सोनभद्र में उत्पीड़न के केस में पति देवर गिरफ्तार, 1.5 साल पहले की लव मैरिज, फिर पत्नी को छोड़ा, ससुराल जाने पर की मारपीट। औरैया में दूसरी शादी कर रहे दूल्हे की खुली पोल, दुल्हन व पहली पत्नी पहुंची थाने, दूल्हा फरार, 2 साल पहले हो चुकी थी शादी। जबरिया दुकान गिराने के मामले में एफआईआर कराएंगे, रामगुलेला मार्ग के पीड़ितों ने डीएम एसएसपी से शिकायत की। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में एक के पैर में लगी गोली, 11 मुकदमे दर्ज, फरार बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस लगी। हापुड़ में रेप के दोषी को 10 साल की सजा, 30,000 रुपए का लगा जुर्माना, अपहरण कर किया था दुष्कर्म। बहराइच में बाघ के टहलने का वीडियो आया सामने, एसएसबी व वन विभाग की टीम कर रही थी गश्त, सामने आ गया बाघ।
हमीरपुर में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौके पर हुई मौत। कानपुर में हर्ष फायरिंग में बाउंसर को लगी गोली, मौके पर हुई मौत। रेल बाजार थाना क्षेत्र के रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस की घटना। लखनऊ के शहीद पथ पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने इंडिगो कार को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला और पुरुष को आई चोटें। कानपुर में तेजाब की बोतल लेकर नाच रही महिला का वीडियो आया सामने। महिला ने तेजाब से भरी बोतल फेंकी, दो सगी बहनें झुलसी। रायबरेली में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा के समापन पर हरीश रावत का तंज, भाजपा का बस चले तो विधायक भी निर्विरोध बना दे। उत्तराखंड में 138 पेड़ कटान के लिए चिन्हित, ऋषिकेश में 6.38 करोड़ की लागत से बनेगी चार धाम यात्रा पार्किंग। उत्तराखंड के हरिद्वार में सफाई सुंदरीकरण के लिए आश्रम अखाड़ों ने गंगा घाटों को लिया गोद। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का बयान पर भाजपा का पलटवार, कहा गर्लफ्रेंड कल्चर से कांग्रेस का पुराना नाता। मुख्यमंत्री धामी ने राहुल गांधी पर किया कटाक्ष, बोले दाढ़ी बढ़ाने से कोई भी व्यक्ति नहीं बन जाता प्रधानमंत्री मोदी। सीएम धामी दिल्ली की आप सरकार पर बरसे, बोले ये जनता तक नहीं पहुंचने दे रहे केंद्र की योजनाएं। उत्तराखंड में गणित व विज्ञान के 2300 शिक्षकों की भर्ती जल्द, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने की घोषणा। उत्तराखंड के रुड़की एआरटीओ ने सुझाया, टोल नाकों से ही रोकी जा सकती है ओवरलोडिंग। प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को बनाया उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर, उन्होंने 17 साल की उम्र में लिखी पहली किताब। उत्तराखंड में सर्दियां में विद्युत उत्पादन की गिरावट, दिसंबर जनवरी में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनी चुनौती। आईआईटी रुड़की पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बोले युवा विद्यार्थी बना रहे नए भारत की नई तस्वीर। उत्तराखंड में दिल्ली से आता था ऑर्डर, रुद्रपुर में तैयार होती थी फर्जी डिग्री, सरगना की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे। रणवीर हत्याकांड के 5 दोषियों की जमानत, वर्ष 2009 में टून में पुलिस ने किया था रणवीर सिंह का फर्जी एनकाउंटर। पति ने साथ रहने से किया इनकार, पत्नी ने कराया दुष्कर्म का केस, कोर्ट ने आरोप से पलटी महिला। उत्तराखंड के काशीपुर में किशोरी को पड़ोसी महिला ने राजस्थान में 3 लाख रुपए से बेचा, दिव्यांग से करा दी शादी। यूक्रेनी डॉक्टरों ने अंधेरे में की बच्चे की हार्ट सर्जरी, रूसी हमले से बिजली गुल हुई, इमरजेंसी लाइट में ऑपरेशन पूरा किया।
यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा अमेरिका, एंटनी बोले इस क्रूर युद्ध को खत्म करना होगा। चीन में कोरोना से हाहाकार, लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड के 24 घंटे में 31,709 पॉजिटिव। यूक्रेन को 18वीं सदी में धकेल देंगे पुतिन, अमेरिका यूरोप ब्रिटेन को चुकानी पड़ेगी कीमत, रूसी सांसद की धमकी। जिनपिंग को ताइवान का बड़ा संदेश, चीन से तनाव के बीच स्थानीय चुनाव, राष्ट्रपति बोले दुनिया देख रही हम लोकतंत्र की रक्षा कैसे करते हैं। ब्राजील के दो स्कूलों में गोलाबारी, तीन की मौत, हमलावर भागते हुए अंदर घुसा और गोलियां बरसाईं। रावलपिंडी रैली में इमरान पर हमले की आशंका, शहबाज अलर्ट, पूर्व पीएम को एलिट कमांडो की सुरक्षा दी गई। सैतालीस साल बाद चांद की सबसे साफ फोटो आई सामने, नासा के मून मिशन में चंद्रमा के चार इलाकों की तस्वीरें ली। ब्रिटेन जाने वाले स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा भारतीय, एक साल में दुनिया भर में 5 लाख पहुंचे, हमने चीन को पीछे छोड़ा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारत की तारीफ की, दोनों देशों के बीच जल्द साइन होगा फ्री एग्रीमेंट। अगले साल से कम होगी महंगाई, गेहूं और तेल से लेकर गैस के दाम भी होंगे कम। मस्क 2 दिसंबर को लॉन्च करेंगे ट्विटर वेरीफाइड फीचर, अब ब्लू के अलावा गोल्ड और ग्रे टिक भी मिलेगा। टोयोटा की नई इनोवा हाईक्रॉस अनवील लॉन्च, एसयूवी में 21.1 केएमपीएल का माइलेज। गुजरात में जियो ट्रू 5G लॉन्च, पहली बार किसी राज्य के सभी जिलों में शुरू हुई सर्विस। भुगतान एकीकरण सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण के पास फिर से देना होगा आवेदन, पेटीएम ने दी जानकारी। मुंबई व दिल्ली की तुलना में बंगाल में चीन का निवेश कम, चीन के दूत ने किया दावा। इरडाई ने बीमा कारोबार के कई नियमों को दी मंजूरी, 2047 तक सभी को इंश्योरेंस देने का लक्ष्य। कर्ज की मांग पूरा करने के लिए ब्रांड की रकम जुटाएंगे बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंक हैं शामिल। केंद्र ने राज्यों को जीएसटी अनुदान के रूप में 17,000 करोड़ रुपए जारी किए, महाराष्ट्र को मिले 2,000 करोड़ रुपए। फोन पे कर सकता है जस्ट मनी का अधिग्रहण, 200 से 300 मिलियन डॉलर में हो सकती है डील। दूसरे वनडे के लिए हैमिल्टन पहुंची टीम इंडिया, हर्षदीप सिंह का भांगड़ा डांस। धुआंधार बल्लेबाजी से सुंदर ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, रैना और कपिल देव को छोड़ा पीछे।
श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में अफगानिस्तान ने दर्ज की जीत। इब्राहिम फारूकी का शानदार प्रदर्शन। पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा का बड़ा बयान, पाकिस्तानी टीम विश्व कप खेलने नहीं जाएगी भारत। रियान पराग ने की धोनी की तारीफ, कहा उन्हें हासिल है महारत, मैं तो बस सीख रहा हूं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की लगातार पांचवी हार, 221 रन की पार्टनरशिप। लगातार दूसरा मैच हारा मेजबान, कंतर मुंतारी ने दागा टूर्नामेंट में होम टीम का पहला गोल। आखिरी 3 मिनट में जीता ईरान, 90 मिनट तक स्कोर था 0-0, एक्स्ट्रा टाइम में 2 गोल कर वेल्स को हराया। नीदरलैंड इक्वाडोर के बीच मैच ड्रॉ, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट्स। इंग्लैंड को यूएस से मिली बड़ी टक्कर, ग्रुप बी में रोचक हुई अगले राउंड की रेस। गलवान ट्वीट्स के कारण बढ़ी ऋचा चड्ढा की मुश्किलें, यूजर्स ने की फुकरे 3 को बायकॉट करने की मांग। करण जौहर की डिनर पार्टी में पहुंची सोनम कपूर, स्काई ब्लू ड्रेस में दिखा ग्लैमरस लुक, डिलीवरी के कुछ महीनों में ही घटाया वजन। फिल्म बाप का बीटीएस वीडियो आया सामने, सेट पर एक्शन के साथ फुल धमाल, मस्ती और बवाल करते दिखे संजय, मिथुन, सनी और जैकी श्रॉफ। दृश्यम 2 की सफलता के बीच काशी विश्वनाथ पहुंचे अजय देवगन, बोले काफी समय से यहां आना चाहता था। रोहित सेट्टी ने सर्कस फैमिली से कराया इंट्रोड्यूस, रणवीर सिंह से जैकलीन तक अलग अंदाज में दिखे सितारे। दृश्यम 3 बनने में भी 7 साल ना लग जाएं, अजय देवगन की ऑन स्क्रीन बेटी ने कहा शायद अगले पार्ट में मेरी शादी हो जाए। फातिमा ने आमिर खान की बेटी पर खूब लुटाया प्यार, आयरा के मंगेतर नुपुर शिकरे के साथ दिल खोल कर किया डांस। सानिया मल्होत्रा का वर्कआउट वीडियो, जिम में जमकर बहाया पसीना, एक्सरसाइज के साथ डांस भी करती दिखी। शाहरुख खान को सऊदी अरब में किया जाएगा सम्मानित, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया जाएगा अवार्ड। सानिया मिर्जा की पोस्ट, दिल भारी हो तो ब्रेक ले, तलाक की खबरों के बीच कहा आप रोशनी और अंधेरे से मिलकर बने इंसान हैं। शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।